वेलकम टू माय चैनल समीम वर्ल्ड। ये है मेरा पहला चैलेंज, लिविंग इन 24 आवर्स इन एसी रूम। सो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, हम हमारे चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। ये थे मेरे सारे टेडी बियर्स, क्यूट से। सो हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ तूफान भी आया था, उसकी वजह से मैं बहुत खुश थी, इसीलिए मैंने सोचा कि 24 आवर्स वीडियो बनाते हैं। मेरी दीदी मेरी वीडियो शूटिंग कर रही है, मेरा ब्रदर भी इधर ही है और सेकंड ब्रदर भी इधर ही है। सो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी थोड़ी ही देर में। सो अभी तो हम हमारा चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो मैं अब आपको मेरे ब्रदर से मिलाऊंगी, जो मुझसे एक साल बड़ा है, उसका नाम है सुजान। वो मेरे साथ बहुत ही लड़ता है, बहुत ही कि मैं खुद लड़ती लड़ती पागल हो जाती हूँ, वो भी हो जाता है, और वो मम्मी को जाके कुछ ना कुछ तो बताता ही है। सो मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। तो वो पता है आपको जाके क्या बोलता है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना, घर की सफाई या फिर मेरा कोई पढ़ाई का काम, कुछ भी करती हूँ, वो तो जाके मम्मी को बताता नहीं है, और फ़ोन के तो ज़रूर ही बताता है। शूटिंग के लिए अलाउड मम्मी ने बहुत मुश्किल से किया है, तो इस वीडियो को तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये रहा मेरा भाई। सो ये चाहे मेरे से कितना भी लड़े, फिर भी ये बहुत प्यारा है। मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रही है मेरी बहन? देखा इसने अभी कैसे थप्पड़ मारा, मैं तो मार नहीं सकती, बहुत बड़ा है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको मिलाऊंगी इसके बड़े भाई से, जिसका नाम है समीर। चलो अभी वो आ ही रहा है। सो अभी ये कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे सब दिख रहा है ये क्या करने जा रहा है। कुत्ते! गाइस देख ही लिया होगा ये कितनी शैतानी करता है, फिर भी मम्मी मेरा ही नाम लगाती है, ऐसा क्यों? ये सबको साथ देता है। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन मैं रूस के बैठ गई, मैं ऐसे बैठ रखी थी, तब ये आया, इतनी जोर से चिल्लाता है, हंसता है, तब मैं तो पागल हो जाती हूँ। तो इसकी हंसी देख लीजिए पहले तो आप। गाइस इसकी हंसी बहुत ही खराब है। इसका निकनेम है, बता दूं, गोलू। A few moments later. So ये है मेरा बड़ा भाई समीर, और इसका निकनेम तो बताने के लायक नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ, सामू है ना। हेलो गाइस, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये मेरी छोटी बहन, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत क्यूट लगती है लेकिन मुझे तुम नहीं लगती। मेरे साथ वैसे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, लेकिन मैं इसको बड़ा समझ के थोड़ी सा टाल देती हूँ। अभी ये भाग रहा था मेरी वीडियो बनवाने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा मना लिया था। सो मैं इसके साथ ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि ये बहुत सीरियस है, और ये भी मेरे साथ नहीं बोलता। मेरी सिस्टर और इसकी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, कभी होगी तो मैं उसका भी व्लॉग आपके लिए लाऊंगी। ये फिर से आ गया है। सो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप सोच रहे होगे कि मैंने मेरे छोटे भाई को ऐसे क्यों कहा और बड़े भाई को अच्छा कहा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा अच्छा भी है। सो वो मेरे साथ ज़्यादा नहीं लड़ाई करता, ये ज़्यादा करता है। ऐसे तो डिफरेंट होता ही है, आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। सो ये मुझे ज़्यादा प्यारा नहीं लगता जितना मेरा बड़ा भाई प्यारा लगता है, और मेरी बड़ी बहन भी मेरे लिए स्पेशल है। गाइस एक दिन क्या हुआ कि मम्मी को मैंने पूछा कि इसने ओरियो बिस्किट्स खा लिए क्या सारे, इसके मतलब एक चीज़ में रखे थे पैक, एक ही लास्ट था वो मेरे लिए था, इन सब ने ऑलरेडी खा लिया था। तो मैंने पूछा तो जाके मम्मा ने बोला कि नहीं तो क्या, मेरे छोटे ब्रदर ने भी नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, इसका तो नेम ही नहीं आया। तो मैंने बोला पक्का उसने ही खाया होगा, गुल्लू खान ने, तो मैं इसको घर पे तो गुल्लू ही बोलती हूँ। सो मैंने फिर देखा तो हमारे कैमरा तो लगे हुए हैं, उसमें देखा तो इसने चोरी की है ओरियो बिस्किट की। ऐसे ही एक दिन मेरे साथ आइसक्रीम वाले दिन हुआ था, मेरी बूमर आइसक्रीम थी, तो उस दिन इसने क्या किया, ये मेरी सिस्टर ने भी गड़बड़ की थी उस दिन, कि इन दोनों ने मेरे को पिघली हुई आइसक्रीम दी थी बूमर, और इन दोनों ने एकदम फुल खाई थी। गाइस देखो मेरे को लग रही है अभी बहुत तेज़ भूख, और ये बीच में आके बैठ चुका है, पूरा ध्यान इसका सैंडविच पे है। सो मैं तो इसको देने नहीं वाली,
चाहे कोई कुछ कहे। और ये है लास्ट सैंडविच, तो ये तो है मेरा और मैं ही खाऊंगी इसको। तो एक नंबर का बुरा कर मम्मी। अरे अरे लड़ो मत, अरे अरे लड़ो मत, अरे ये लड़ो मेरा सैंडविच। अरे, अरे लड़ो मत, अरे यार तुम ऐसे मत करो, लड़ो मत, किसी को नहीं मिलेगा भाई। ये तो बहुत बुरी बात है, इसकी वजह से, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। नहीं मेरी वजह से नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो मैं बदला ले। तू फिर से आ गया, निकल जाए यहाँ से। नहीं गाइस, आप ही। A few moments later, गाइस अब आपको मिलाने वाली हूँ मेरी बुक से। ये थोड़ी सी वीडियो है, सो अब मैं एंड करने वाली हूँ। सो मैं आपको पहले बुक से मिला देती हूँ। उसका नेम बताऊंगी और उसकी आप, उसको आप देखोगे तो चौंक जाओगे। वो बहुत प्यारी है, उसका नाम नेम है गुलजार और उसका निक नेम है गुडो। सो बहुत प्यारी है, उससे भी मैं आपको थोड़े दिन बाद मिलाने वाली हूँ। हम नानी जी के जाएंगे तब। वो मेरी मामी की लड़की है, बहुत प्यारी है, उससे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार आप भी देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक।